में समझने वाले आज डिफेंसिव अटैकिंग, मतलब जब डिफेंस होता है, जब पंच मारते हैं या फिर अटैक करते हैं, एल्बो अटैक है, कुछ भी अटैक, वो सारे के सारे अटैक में आता है। लेकिन उस अटैक को डिफेंस करने के लिए जो अटैक को डिफेंस होता है, जैसे आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में उसके बारे में हम लोगों ने समझाया था, आज हम लोग वापस से उसके बारे में थोड़ा सा आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए चलने वाले हैं। डिफेंसिव अटैक मतलब जैसे विंचू में यूज होता है, बाकी सब रोड फाइट में यूज होता है, कि आपको किससे ग्रैबिंग होता है, वो सारे के सारे चीजें इसके बारे में हम लोग समझाने वाले हैं। जैसे सामने वाले के सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं, जैसे उसके एकदम नजदीक चले गए, कैसे फेस को हटाना है, किस तरह से अगर पंच अटैक हुआ तो किस तरह से बॉडी टर्न करनी है, वो बहुत जरूरी होता है उसके अंदर। जैसे अभी अगर हम लोग अटैक होते हैं, फेस अटैक किया गया है ना, एक मिनट काम कर दो, तो आपने देखा होगा कि फेस पंच जब अटैक होता है, फेस पंच ये नोज लेवल पे अटैक होता है, अगर इसको डिफेंस नहीं किया गया तो लग जाएगा, यहाँ पे ब्लड निकल सकता है नाक से। जैसे हम लोग विंचुंग के बारे में अगर समझेंगे, विंचुंग टेक्निक के बारे में, तो विंचुंग टेक्निक क्या बोलते हैं, जैसे अगर हम लोग पंच अटैक हुआ है, पंच अटैक को हम लोग क्या है, डिफेंस से, डिफेंस से मूवमेंट करते हैं। जैसे कैसे मूवमेंट, डमी मूवमेंट कैसे करते हैं, हम लोग स्लिप मारते हैं, जैसे वन वन टू, उसके बाद आपको कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हो, जैसे वन वन टू थ्री फोर अगेन वन वन अगेन रेडी सेम। अगर डबल हुआ जैसे वन टू थ्री फोर फेस अगेन वन, यहाँ पे हुआ, जैसे सामने वाले ने लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से, जैसे राइट हैंड से अटैक किया हुआ है, राइट हैंड हम लोग को लेफ्ट हैंड को डिफेंस करने वाले, लाइक तो डिफेंस सामने वाले को डिफेंस करने के लिए सामने वाले का हैंड बेंड होना बहुत जरूरी है। डाउन लॉकिंग करने का दो तीन जगह पे होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे उसका उसको एल्बो है, एल्बो एल्बो से लॉकिंग होता है, शोल्डर लॉकिंग कर सकते हैं, शोल्डर लॉकिंग मतलब यहाँ पे हम लोगों ने शोल्डर को लॉक किया, शोल्डर को लॉक करने के लिए हम लोग को ये हाथ को इधर लेना है, इसको टर्न मारना है, टर्न यहाँ पे हुआ, अभी ये शोल्डर लॉक हो गया, टू थ्री फोर, यहाँ पे शोल्डर लॉक, सामने वाले का शोल्डर का लॉक किया है, इस पर देख लो वन है ना, डिफेंस कैसे, राइट हैंड अटैक डिफेंस विद लेफ्ट हैंड डिफेंस, देन सेम राइट हैंड डिफेंस वन लाइक वन अगेन वन टू थ्री फेस अटैक, सेम पोजीशन होती है जब इस अटैक को हम लोग अलग अलग तरीके से करते, जैसे वन वन टू है ना, डाउन भी है, अगर हम लोग इसको डाउन भी करते, जैसे डाउन लाइक अटैक डाउन वन, ये भी प्रैक्टिस है। जैसे हम लोग फ्रंट पंच अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सामने वाला फ्रंट पंच अटैक करने के बारे में सोच रहा है, तो समटाइम क्या होता है कि डबल पंच भी अटैक होते हैं, जैसे वन टू तो ये डाउन वन लाइक वन अगेन वन वन टू अगेन वन सेम, फेस के साथ चेस्ट अटैक भी होता है, जैसे वन है ना, यहाँ पे डिफेंस ऐसा या फिर इस तरह से, जैसे यहाँ पे किया वन ग्रैब है ना, देन टू फेस, जैसे वन ये भी होता है, लेकिन
विंग चुन के साथ साथ अगर हम लोग टेक्निक को मिक्स कर दे, समझ के चलो विंग चुन टेक्निक में हम लोगों ने कराटे मिक्स किया या विंग चुन में हम लोगों ने कोई दूसरा भी यूज किया तो भी कर सकते। लेकिन अगर ये अटैकिंग में अगर डिफेंसिव अगर आप विंग चुन है तो विंग चुन क्या है, अगर एक हाथ से अगर डिफेंस हो रहा है तो सेम उसी हाथ से हम लोग अटैक भी हो सकता है। जैसे वन कैसे यहां से वन टू अगेन चढ़ी लाइक देन वन फिर टू अगेन जैसे सामने डाउन वापस देख लो वन है ना, ये वन वन टू टू लाइक टू थ्री यलबोर्ड एक, इसको ये टेक्निक को मिक्स किया गया है। ये टेक्निक ओरिजिनल टेक्निक नहीं बोलते इसको, ये मिक्सअप हुआ है। अगर ये टेक्निक को हम लोग बोले तो मॉडिफाई किया, मॉडिफाई मतलब जैसे ये अटैक इसने अटैक किया, हमने मॉडिफाई क्या किया स्ट्राइक वन, यहां पे अटैक हुआ टू थ्री है ना, सेम मॉडिफाई होता है। लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए अगर इसको यूज करना है, अगर किसी को मारने के लिए यूज करना है तो भी अटैकिंग के लिए भी डिफेंसिव यूज होता है, लेकिन उसके लिए बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है क्योंकि सामने वाला कौन सा अटैक कब करे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। Yeah.